गुड डे टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में आपने स्प्रेडशीट के बारे में सीखा था। आइए अब पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं स्प्रेडशीट क्या होता है और इसका उपयोग क्यों करते हैं? स्प्रेडशीट ओपन ऑफिस का भाग होता है, जिसकी मदद से आप अपने डेटा को रो और कॉलम की मदद से स्टोर कर सकते हैं, जिसे आप एक टेबल के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत से रो और कॉलम्स होती हैं। क्या आप बता सकते हैं स्प्रेडशीट में पहले से कितनी सीट्स होती हैं? स्प्रेडशीट में पहले से ही 3 सीट्स बन के आती हैं। क्या आप बता सकते हैं कॉलम एंड रो हेडर का उपयोग क्यों करते हैं? कॉलम एंड रो हेडर की मदद से आप यह देख सकते हैं कि आपने कौन से सेल पर क्लिक किया है, वह सेल किस कॉलम का है और किस सेल का रो नंबर कौन सा है। क्या आप बता सकते हैं एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए क्या उपयोग करेंगे? एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए आप एरो कीज का या टचपैड का उपयोग करेंगे। स्टेटस बार में आप कौन-कौन से ऑप्शन को देख सकते हैं? स्टेटस बार में आप सभी सीट्स और जूम बॉक्स के साथ में आप फॉर्मूला को भी देख सकते हैं। अब आप सभी कंप्यूटर को ऑन करें और बताए गए तरीके से कैल्क की फाइल को ओपन करें। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि स्टेप वाइज तरीके से स्प्रेडशीट की फाइल को कैसे ओपन करते हैं। सबसे पहले अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पे लेके जाना है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। यहाँ पे एक बार लेफ्ट बटन को दबाना है। जैसे आप लेफ्ट बटन को दबाएंगे एक बॉक्स आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर अपने पॉइंटर को ऑल प्रोग्राम लिखे ऑप्शन पे लेके जाना है। यहाँ पे एक बार लेफ्ट बटन को दबाना है। जैसे आप लेफ्ट बटन को दबाएंगे एक बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पे हमें ओपन ऑफिस ढूंढना है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हम स्क्रॉल के बटन को अप डाउन करके ढूंढ सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने स्क्रॉल के बटन को डाउन किया है तो यहाँ पे ओपन ऑफिस 4.1 पॉइंट का ऑप्शन आ गया और हमने इसको क्लिक कर दिया। हमने अपने पॉइंटर को वहां पर रखा और लेफ्ट बटन दबा दिया। जैसे ही हमने लेफ्ट बटन दबाया, जो ओपन ऑफिस के ऑप्शंस हैं वो सारे ऑप्शंस नीचे आ गए। हमें स्प्रेडशीट को ओपन करना है। जैसे कि आप जानते हैं स्प्रेडशीट का दूसरा नाम कैल्क होता है। हमने अपने पॉइंटर को ओपन ऑफिस कैल्क कैल्क पे रखा और उस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने इसे क्लिक किया, जो हमारी स्प्रेडशीट की फाइल है वह ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टेप वाइज तरीके से स्प्रेडशीट की फाइल को ओपन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप आज क्या सीखेंगे। आज की क्लास में आप सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद अंडू, रीडू, कॉपी, कट, पेस्ट और फाइंड रिप्लेस, डिलीट कंटेंट्स, डिलीट सेल, सीट के बारे में सीखेंगे और बाद में आप सम, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट, डिवीजन के फॉर्मूले के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले सामने दिए गए चित्र की तरह एक टेबल बनाएं। चाहे तो आप खुद से कोई भी टेबल बना सकते हैं, उसके अंदर कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। क्या आप सभी ने टेबल को बना लिया है या नहीं? आइए अब अंडू के बारे में सीखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अंडू का उपयोग क्यों करते हैं? अंडू की मदद से आप सीट पर किए गए कार्य को एक एक करके हटा सकते हैं अथवा एक एक स्टेप पीछे आ सकते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड Ctrl+Z का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से अंडू करना सीखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अंडू से हम एक स्टेप पीछे आ जाते हैं या किए गए कार्य को एक एक करके हटा सकते हैं। सबसे पहले हमने एडिट मेन्यू पे क्लिक किया, या इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड Ctrl+Z का भी उपयोग कर सकते हैं।
तो आप देख सकते हैं एक नंबर हट जाएगा। इसी प्रकार से फिर से कंट्रोल प्लस जेड करें, फिर से नंबर हट जाएगा, फिर से कंट्रोल प्लस जेड करें, नंबर हट जाएगा। इसी प्रकार से आपको कंट्रोल प्लस अंडू कर करके हर एक नंबर को आपको हटा देना है, जो आपने टाइप किया था उन सभी को आपको हटाना है। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पे हम अंडू करते जा रहे हैं और जो नंबर हमने टाइप किया था वो हटते जा रहे हैं। कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग आप कर सकते हैं अंडू करने के लिए, और अंडू करके हमने सभी ऑप्शंस को जो हमने टाइप किया था उसे हमने यहाँ पे हटा दिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इस प्रकार से आप अंडू का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब रीडू के बारे में सीखते हैं। क्या बता सकते हैं रीडू का उपयोग क्यों करते हैं? रीडू की मदद से आप अंडू के द्वारा हटाए गए कार्य को आप वापस ला सकते हैं। इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वाई का भी उपयोग कर सकते हैं। अब आप पूरी टेबल को वापस लेके आए। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से रीडू करना सीखें। जैसे कि आप सभी जानते हैं, रीडू का उपयोग तभी कर सकते हैं जब आपने अंडू किया था। यहाँ पे हमने अंडू के माध्यम से जो हमने टाइप किया था उन सभी को हमने हटा दिया था, हमें वापस लाना है, उसके लिए हम रीडू का उपयोग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एडिट मेन्यू पे क्लिक करें और रीडू ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, या इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वाई का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, जैसे ही हमने रीडू पे क्लिक किया, सबसे पहले नेम आया, फिर से रीडू किया हमने, ए बी सी डी जो हमने टाइप किया था वो धीरे धीरे आते जा रहे हैं। फिर से हम कंट्रोल प्लस वाई कर रहे हैं रीडू। रीडू करने के बाद जो चीज हमने मिटा दिया था अंडू करने से, अंडू करके वो चीजें यहाँ पे वापस आ गई, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर से हम रीडू करेंगे, कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई, वो डेटा यहाँ पे आते जाएगा। जितनी बार हम रीडू करेंगे वो सारी डेटा यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप रीडू करके उन सभी डेटा को वापस ले आए जो आपने अंडू करके हटाए थे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने रीडू करके वो सारी डेटा को हम वापस ले आए। इस प्रकार से आप रीडू कर सकते हैं। आइए अब कट पेस्ट के बारे में सीखते हैं। क्या बता सकते हैं कट का उपयोग क्यों करते हैं? कट की मदद से किसी टेक्स्ट अथवा किसी पिक्चर को अथवा किसी भी ऑब्जेक्ट को कट करेंगे तो वह वहां से कट अथवा हट जाएगा और फिर आप उसे पेस्ट की मदद से वापस ला सकते हैं। कट की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एक्स होती है और पेस्ट करने की शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वी होती है। अब आप इस पूरे टेबल को दूसरी शीट पे पेस्ट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि कट और पेस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ शीट वन पे कुछ डेटा टाइप किया हुआ है, जैसे आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, नेम, रोल नंबर, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, ये हमने डेटा यहाँ पे टाइप किया हुआ है। इस डेटा को यहाँ से हटा के कहीं और पेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया, उसके बाद अपने पॉइंटर को एडिट मेन्यू पे लेके गए, फिर आपको कट का ऑप्शन ढूंढना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने कट का ऑप्शन यहाँ पे ढूंढा, या तो चाहे इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड का भी उपयोग कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस एक्स कट करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। एवर कट करने के बाद आप देख सकते हैं जो डेटा आपने सेलेक्ट किया था वो डेटा यहाँ से हट जाएगा। अब उस डेटा को आपको कहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, जिस सीट पे आप उसे लाना चाहते हैं उस सीट को पहले आप सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पे सेकेंड सीट को सेलेक्ट किया। अब हमें वो डेटा यहाँ पे चाहिए तो हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के लिए आप चाहें तो शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस वी का उपयोग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किया। अगर आप चाहें तो एडिट मेन्यू पे जाके पेस्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने डेटा को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पे पेस्ट कर सकते हैं।
अभी हमने यहाँ सीट वन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि सीट वन पे वो डेटा नहीं है, वो यहाँ से हटके वो दूसरी जगह पे पेस्ट हो गया है। इस प्रकार से आप कट एंड पेस्ट का उपयोग करना सीख सकते हैं। आइए अब कॉपी पेस्ट के बारे में सीखते हैं। क्या बता सकते हैं कॉपी का उपयोग क्यों करते हैं? कॉपी की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट जैसे कि किसी टेक्स्ट अथवा कोई पिक्चर को उसी के जैसे बना सकते हैं। कॉपी करने के लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करेंगे, लेकिन आप कॉपी किए हुए ऑब्जेक्ट अथवा टेक्स्ट को एक और बार लाने के लिए आपको पेस्ट करना होगा। आइए अब दूसरी शीट से टेबल को कॉपी करके पहली शीट पर पेस्ट करके दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि कॉपी और पेस्ट कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने कुछ डेटा टाइप किया हुआ है, आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा। इसको हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए आप टच पैड, माउस अथवा कीबोर्ड का उपयोग कर सकते हैं। पहले जिसे आप कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लें। जैसे आपको वीडियो में दिखाया गया है, यहाँ पे हमने डेटा को सेलेक्ट कर लिया। फिर अपने पॉइंटर को एडिट मेन्यू पे लेके गए और फिर कॉपी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, या तो आप इसके लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस सी का भी उपयोग कर सकते हैं। एक बार कॉपी करने के बाद आपको इस डेटा को कहाँ पे पेस्ट करना है, कहाँ पे लाना है, उस सीट को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये डेटा सीट टू पे था, अब हमें इसे सीट वन पे लाना है, तो हमने सीट वन को सेलेक्ट कर लिया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर हमने सेल वन पे क्लिक किया और वहां पे पेस्ट कर दिया। हमने यहाँ पे पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी का उपयोग किया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो डेटा सीट टू पे था, सेम वही डेटा सीट वन पे भी आ गया है। इस प्रकार से आप कॉपी और पेस्ट का उपयोग कर सकते हैं और इसको किसी भी सीट पे आप ला सकते हैं, जहां पे आप लाना चाहते हैं। आइए अब फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में सीखें। क्या बता सकते हैं कि फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग क्यों करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस की मदद से आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को ढूंढ सकते हैं और फिर उसे किसी दूसरे नेम में चेंज कर सकते हैं। अब आप फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग अपने नेम वैल्यू अथवा नंबर को किसी दूसरे नेम वैल्यू अथवा नंबर में बदल कर दिखाएं। अगर कोई समस्या हो तो वीडियो की मदद से सीखें। आइए वीडियो की मदद से फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करना सीखें। जैसे कि आप जानते हैं, फाइंड से हम किसी वर्ड को ढूंढ सकते हैं और रिप्लेस से उस वर्ड को हम किसी दूसरे वर्ड के साथ बदल सकते हैं। हमने सीट टू पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ डेटा पहले से ही यहाँ पे टाइप किया हुआ है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सबसे पहले हम एडिट मेन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर अपने पॉइंटर को फाइंड एंड रिप्लेस लिखे ऑप्शन पर लेके जाना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। आप चाहें तो इसके लिए आप शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस एफ का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे ही वहां पे क्लिक करेंगे फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्च फॉर, आप किस वर्ड किस नंबर को ढूंढना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने ए यहाँ पे टाइप किया और फाइंड पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो ए वर्ड को फाइंड करने के लिए जैसे हमने फाइंड पे क्लिक किया, यहाँ पे ओपन ऑफिस कैल्क है सर्च टू द एंड टू द सी डू यू वांट टू कंटिन्यू फ्रॉम द बिगिनिंग, इस प्रकार से एक ऑप्शन हाईलाइट हो गया है। हमें स्टार्टिंग से वर्ड को ढूंढना है इसलिए हमने यस पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं जो आपका कर्सर है वो पहले नेम वाले कॉलम पे आया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं क्योंकि वहां पे ए लिखा हुआ था। फिर हमने दोबारा से फाइंड
फाइंड पे क्लिक किया, मैथ वाले कॉलम पे आ गया क्योंकि वहां पे भी ए लिखा हुआ है। हमने फिर से फाइंड पे क्लिक किया, जो हमारा सेकंड रो है जिस पे ए लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हम फिर से सर्च फॉर में टाइप करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हमें इस ए को रिप्लेस करना है, किसी दूसरे वर्ड के साथ रिप्लेस करना है। अभी आपने देख सकते हैं कि हम सर्च फॉर में हमने यहाँ पे कैपिटल ए को टाइप किया और हमने मैच केस पे क्लिक कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर आप मैच केस पे क्लिक करने के बाद अगर आपने कोई स्मॉल या जैसे कि मान लीजिए आपके डेटा के पास कैपिटल लेटर में है और आपने यहाँ पे सर्च फॉर में स्मॉल लेटर को टाइप किया तो उसे फाइंड नहीं करेगा, ये केस सेंसिटिव हो जाएगा। इसीलिए आपको हमने यहाँ पे एक कैपिटल ए में टाइप किया और फिर जाके फाइंड पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं ए को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। जैसे कि आपको वीडियो में दिखा जा रहा है, जो हमारा भी बॉक्स है सेल ए सेकंड रो पे क्लिक है वहां पे ए को हाईलाइट करके दिखा रहा है। अब आप इसे बदलना चाहते हैं किसी दूसरे वर्ड के साथ तो उसके लिए आपको रिप्लेस विद पे क्लिक करना होगा। हमने रिप्लेस विद बॉक्स में क्लिक किया और वहां पे हमने अमन टाइप किया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, और फिर जाके रिप्लेस पे क्लिक कर दिया। तो आप देख सकते हैं जहां पे ए लिखा हुआ था वो अमन के साथ रिप्लेस हो गया। अभी आप देख सकते हैं हमने सर्च फॉर में फिर से बी को लिखा। अभी आप वीडियो में देख सकते हैं हमने बी को लिखा और फाइंड पे क्लिक कर दिया। फाइंड पे क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन को सिलेक्ट करें तो आप देख सकते हैं सर्च की नॉट फाउंड आया, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान दिया होगा हमने मैच केस को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पे केस सेंसिटिव है इसीलिए बी वर्ड को फाइंड नहीं किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हमें बी वर्ड को फाइंड करना है, उसके लिए यहाँ पे हमें कैपिटल में बी को टाइप करना होगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने यहाँ पे कैपिटल में बी लिखा और फाइंड पे क्लिक कर दिया। तब आप देख सकते हैं जो थर्ड कॉलम है जहाँ पे बी लिखा हुआ है उसे हाईलाइट कर दिया। अब आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं किसी नेम के साथ तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं, हमने यहाँ पे भारती नाम से रिप्लेस कर दिया। हमने यहाँ पे रिप्लेस विद बॉक्स में भारती लिखा और रिप्लेस पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं जहाँ पे बी लिखा हुआ था वहां पे अब भारती आ गया। इसी प्रकार से हमने सर्च फॉर में सी को टाइप किया, अब हमें इसे किसी और वर्ड के साथ रिप्लेस करना है, रिप्लेस विद में छाया टाइप किया। आप चाहे तो कुछ भी टाइप कर सकते हैं, फिर रिप्लेस पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं जो सी वर्ड था वो सी से रिप्लेस होके वहां पे छाया लिखा हुआ आ गया। इसी प्रकार से आप डी को रिप्लेस कर सकते हैं, सबसे पहले सर्च फॉर में डी को टाइप करें और रिप्लेस विद में जिस नेम के साथ आप रिप्लेस करना चाहते हैं उस नेम को आप टाइप कर दें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने यहाँ पे छाया को डिलीट किया और हमें किसी नाम को यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने यहाँ पे दिनेश नेम को टाइप किया और रिप्लेस पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं जो डी वर्ड था वो दिनेश के साथ रिप्लेस हो गया। आप चाहे तो मैच केस को हटा सकते हैं। इस प्रकार से आप फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग करना सीख सकते हैं। आइए अब फेल ऑप्शन के बारे में सीखते हैं। फेल ऑप्शन की मदद से आप अपने कॉलम को अप डाउन लेफ्ट राइट में अपने डेटा को फेल कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से फेल ऑप्शन के बारे में सीखें। आइए वीडियो की मदद से फेल ऑप्शन का उपयोग करना सीखते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं कि फेल ऑप्शन के द्वारा आप अपने डेटा को लेफ्ट राइट अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, उस डेटा को आप उस साइड में फेल कर सकते हैं। सबसे पहले हम जिसे आप मूव करना चाहते हैं, जिस डेटा को आप फेल के द्वारा उसे दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं, उसके लिए सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है
हमने फर्स्ट कॉलम को सेलेक्ट कर लिया और फिर जाके एडिट मेन्यू पे क्लिक किया। एडिट मेन्यू पे क्लिक करने के बाद एक बॉक्स आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमने फील ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑप्शन आया हुआ है। हमने डाउन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हर एक जो कॉलम ए था उसके अंदर पूरे कॉलम में नेम लिखा हुआ आ गया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। वो सारे ऑप्शन में पहले लिखा हुआ था वो नीचे तक उन्होंने फिल कर दिया। अब हमने अगली कॉलम को सिलेक्ट किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमने सेकंड कॉलम को सिलेक्ट किया। फिर हमने पॉइंटर को एडिट मेन्यू पे लेके गए, वहां पे क्लिक किया एक बॉक्स आ जाएगा, फिल ऑप्शन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे अप पे क्लिक कर दिया, हमने अप को सिलेक्ट किया तो आपको सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर सिर्फ 5 5 लिखा हुआ आ गया है, वो हर एक जगह 5 को फिल कर दिया है। इसी प्रकार से हम अगले रो को सेलेक्ट करेंगे, अगले कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, एडिट मेन्यू पे क्लिक किया। अब हम अपने डेटा को लेफ्ट साइड या राइट साइड में मूव करना है। हमने एडिट मेन्यू पे क्लिक किया, फील का ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी राइट और लेफ्ट का ऑप्शन नहीं आया है। इसके लिए हमें दो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने यहाँ पे रोल नंबर और मैथ को सिलेक्ट किया, एडिट मेन्यू पे क्लिक किया, एक बॉक्स आ गया जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर अपने पॉइंटर को फील ऑप्शन पे लेके गए। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउन राइट अप लेफ्ट का ऑप्शन आ गया है, हाईलाइट हो रहा है। हमने राइट पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो राइट साइड में जो कॉलम था वो फिल हो गया, वहां पे जो लेफ्ट साइड में कॉलम था वो पूरा डेटा राइट साइड में फिल हो गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसी प्रकार हम फिर से दो सेल को सिलेक्ट करेंगे, दो कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने दो कॉलम को सिलेक्ट किया, फिर से एडिट मेन्यू पे क्लिक किया और फील के ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। अब हमने यहाँ पे लेफ्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं जो आपका नेम का ऑप्शन था वो नेम का ऑप्शन जो सेकंड कॉलम में जो 5 5 लिखा हुआ था वो कॉलम 1 में आ गया, वो उसमें फिल होके आ गया। इस प्रकार से आप फिल का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब डिलीट कंटेंट ऑप्शन के बारे में सीखें। डिलीट कंटेंट की मदद से आप अपने सीट पर किए गए सभी कार्य को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि आप क्या डिलीट करना चाहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर, डेट और भी बहुत से कार्य कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से डिलीट कंटेंट के बारे में सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं डिलीट कंटेंट का उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले अपने पॉइंटर को एडिट मेन्यू पे लेके जाएं, वहां पे क्लिक कर दें, एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर यहाँ पे डिलीट कंटेंट डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर दें। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाएगा, यह आपसे पूछेगा कि आप क्या डिलीट करना चाहते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। पहला है सेलेक्ट ऑल, इसका मतलब है जो आपकी डेटा है वो सभी डेटा को आप डिलीट करना चाहते हैं। फिर नीचे ऑप्शन दे रखा है टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब है जो आपने अल्फाबेट्स नंबर्स लिखे हैं क्या उन्हीं को डिलीट करना चाहते हैं। फिर नंबर्स, अगर आप सिर्फ नंबर को डिलीट करना चाहते हैं तो नंबर्स पे क्लिक करेंगे। डेट एंड टाइम अगर आप हटाना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप फॉर्मूला को हटाना चाहते हैं तो फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे। तो इस प्रकार से आप जिस फील्ड को हटाना चाहते हैं उस फील्ड को आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिसे आप हटाना चाहते हैं आप उस एरिया को सिलेक्ट कर लें। अभी आप देख सकते हैं हमने पहले सेलेक्ट किया, हमने रोल नंबर वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है।
डिलीट कंटेंट के ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो एक बॉक्स आ गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे टेक्स्ट को हटाना है, तो हमने इसको टेक्स्ट को नहीं हटाना था, इसीलिए हमने क्या किया, टेक्स्ट को टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। हमें नंबर हटाना है और बाकी हमने सभी कंटेंट्स को रहने दिया, डेट एंड टाइम, फॉर्मूला और कमेंट्स को रहने दिया। हमने सिर्फ टेक्स्ट को यहाँ से जो टिक किया हुआ था उसे अनसेलेक्ट कर लिया, फिर उसके बाद ओके बटन पे क्लिक कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो रोल नंबर वाले कॉलम में जितने भी नंबर्स लिखे हुए थे वो नंबर्स यहाँ से डिलीट हो गया, लेकिन जो टेक्स्ट लिखा हुआ था रोल नंबर वो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं किया था। अब हम अगली कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से आप डिलीट ऑप्शन पे जाके डिलीट कंटेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस बार आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है, इस बार हमने नंबर को सेलेक्ट नहीं किया है, सिर्फ हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है और बाकी चीज को हमने सेलेक्ट बाकी चीज को वैसे ही रहने दिया है। फिर ओके पे है क्लिक कर दिया। जैसे हमने ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं जो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था वो टेक्स्ट डिलीट हो गया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे रोल नंबर अब लिखा हुआ नहीं है, हमने नंबर को सेलेक्ट नहीं किया था तो इसलिए यहाँ पे नंबर है, सिर्फ टेक्स्ट ही डिलीट हुआ। तो इस प्रकार से आप डिलीट कंटेंट का उपयोग करना सीख सकते हैं। अब आप डिलीट सेल के बारे में सीखेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप किसी सेल को डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट सेल का उपयोग करेंगे। आइए वीडियो की मदद से डिलीट सेल का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से सेल को डिलीट करना सीखें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, डिलीट सेल से आप किसी भी सेल को डिलीट कर सकते हैं। उसमें आप लेफ्ट, राइट, अप, डाउन, इनमें से आप किसी भी सेल को आप डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जिस सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करें। जैसे कि हमने यहाँ पे रोल नंबर 2 जो सेकंड कॉलम था, हमने वहां पे कर्सर रखा और उसके बाद हमने अपने पॉइंटर को एडिट मेन्यू पे लेके गए, क्लिक किया। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है एक बॉक्स आ जाएगा। बॉक्स आने के बाद आपको डिलीट सेल, जैसे कि आपको वीडियो में देख सकते हैं डिलीट सेल, या तो आप चाहें इसके लिए शॉर्टकट कमांड का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने डिलीट सेल पे क्लिक किया तो एक बॉक्स आ गया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन का कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, शिफ्ट सेल अप, शिफ्ट सेल लेफ्ट, डिलीट इंटायर रो, डिलीट इंटायर कॉलम। शिफ्ट सेल अप से क्या होता है, जब आप शिफ्ट सेल अप करेंगे जिस सेल को डिलीट करेंगे वो एडजस्ट होके वो ऊपर आ जाएगा। शिफ्ट सेल लेफ्ट से आपने जो भी आप कुछ डिलीट करेंगे, जिस सेल को आप डिलीट करेंगे वह सेल लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, जो आपकी जो डेटा है राइट से वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से डिलीट एंटायर रो से आप पूरी रो को, जिस सेल पे आप कर्सर है उस पूरी रो को आप डिलीट कर सकते हैं। डिलीट एंटायर कॉलम से जहां पे आपका कर्सर है, जिस सेल पे आप कर्सर है उस पूरी कॉलम को आप डिलीट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे शिफ्ट सेल लेफ्ट पे क्लिक किया फिर ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पहले यहाँ पे जो रोल नंबर वाला जो कॉलम था वो खाली था, तो ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, जो हिंदी में जो डेटा था वहां से डिलीट होके वो यहाँ लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने 5 के नीचे कर्सर को रखा, वहां पे हमने क्लिक किया, फिर एडिट मेन्यू पे गए, एडिट पे क्लिक किया और हमने फिर से डिलीट सेल को सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है। और यहाँ पे एक बॉक्स आ गया, बॉक्स आने के बाद अब हमने, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पे डिलीट एंटायर रो को सिलेक्ट किया और ओके पे क्लिक कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं जिस जहां पे हमारा कर्सर था, जहां पे हमारा करंट कर्सर था, वो पूरी रो
डिलीट हो गया है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक रो अब कम हो गई है। इस प्रकार से आप डिलीट सेल का उपयोग कर सकते हैं। अब आप सीट ऑप्शन के बारे में सीखेंगे। सीट ऑप्शन की मदद से आप सीट को मूव, कॉपी, डिलीट कर सकते हैं। आइए अब वीडियो की मदद से सीट ऑप्शन का उपयोग करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं सीट ऑप्शन का उपयोग क्यों करते हैं। सीट ऑप्शन की मदद से आप किसी भी सीट को इंसर्ट कर सकते हैं, सीट को डिलीट कर सकते हैं, डुप्लीकेट सीट को आप ला सकते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे सीट टू को सिलेक्ट किया हुआ है और उसके अंदर कुछ डेटा टाइप किया हुआ है। सबसे पहले अपने पॉइंटर को एडिट मेन्यू पे लेके जाएं, वहाँ पे क्लिक कर दें, एक बॉक्स आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। फिर अपने पॉइंटर को सीट लिखे ऑप्शन पे लेके जाएं, वहाँ पे आप कर्सर रखेंगे, पॉइंटर रखेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई देगा जैसे कि मूव, कॉपी, सेलेक्ट, डिलीट और इवेंट। अभी हमें सीट को मूव करना है या उसके जैसे हमें एक डुप्लीकेट सीट चाहिए तो हम मूव कॉपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं टू डॉक्यूमेंट में अनटाइटल वन लिखा हुआ है। अनटाइटल वन हमारा जो सीट है, जो हमारा जो जो फाइल है वो है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो आपकी जो सीट है वो कहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं, सीट वन से पहले, सीट टू से पहले या सीट थ्री से पहले। ये कॉपी का ऑप्शन है, जो आपकी जो पहली जो रियल कॉपी है उसके जैसे एक डुप्लीकेट कॉपी आ जाएगी। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ पे कॉपी पे कॉपी ऑप्शन को सिलेक्ट किया और सीट वन को हमने सिलेक्ट किया है कि हम जो सीट इंसर्ट करना चाहते हैं वो सीट वन से पहले, जो डुप्लीकेट सीट आए वो सीट वन से पहले आए, तो हमने सीट वन को सिलेक्ट किया और फिर ओके पे क्लिक कर दिया। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पे सीट वन से पहले एक दूसरी सीट आई हुई है जो सीट टू अंडरस्कोर टू के नाम से लिखा हुआ है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं जब आप सीट टू पे क्लिक करेंगे तो वो डेटा जो है इसके अंदर भी आ गया है जो सीट टू के अंदर था, उसी की जैसे एक डुप्लीकेट सीट यहाँ पे आ गया है। फिर से आप एडिट मेन्यू पे क्लिक करें, सीट ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे हमें उस सीट को डिलीट करना है, उसे हटाना है तो डिलीट पे क्लिक कर दें। जैसे डिलीट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि आप सीट को डिलीट करना चाहते हैं या नहीं। हमें सीट को डिलीट करना है इसीलिए हम यस पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, जैसे हम यस पे क्लिक करेंगे जो हमारे पास जो डुप्लीकेट सीट आई थी वो डिलीट हो जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास यहाँ पे सिर्फ तीन सीट होंगे, सीट वन, सीट टू और सीट थ्री। तो इस प्रकार से आप सीट ऑप्शन का उपयोग करना सीख सकते हैं। अब आप दूसरी सीट को सेलेक्ट करें क्योंकि वहां पर आपके पास टेबल बनी हुई है। अब आप कुछ फॉर्मूला का उपयोग करना सीखेंगे, जैसे कि सम, मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन। इन फॉर्मूला को आप दो तरीके से सीखेंगे। पहले हम बेसिक तरीके से सीखेंगे, जिसे आप इक्वल टू सिंबल का उपयोग करके सम, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन करना सीखेंगे। दूसरे तरीके के लिए आप फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। आइए अब फॉर्मूला को इन ऑप्शन की मदद से सीखना शुरू करते हैं। क्या आप बता सकते हैं सम फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं? सम फॉर्मूला की मदद से आप नंबरों को जोड़कर या ऐड करके टोटल वैल्यू निकाल सकते हैं। सामने दिए गए चित्र को देखें, यहाँ पर सम के फॉर्मूला को कैसे उपयोग करेंगे यह दिखाया गया है। आइए अब वीडियो की मदद से सम करना सीखें। आइए वीडियो की मदद से कुछ
कुछ फॉर्मूला को सीखें। ये फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं, जैसे कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सम करना, इन सबको हम फॉर्मूला के माध्यम से और सिंबल के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले हमें ऐड करना है, जैसे कि आपको पता है ऐड से हम किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, उसका टोटल कर सकते हैं। ऐड करने के लिए जहां पे आपको ऐड करना है उस सेल को आप सेलेक्ट करें, जैसे कि वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पे सेलेक्ट उस सेल को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हम इक्वल टू का सिंबल हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, हम डायरेक्ट सिंबल के माध्यम से इनका टोटल करेंगे। सबसे पहले हमने जिस नंबर को हमें टोटल करना है उस नंबर को हमने सेलेक्ट किया, फिर कीबोर्ड में प्लस को सिंबल हम यहाँ पे टाइप करेंगे। प्लस करने के बाद फिर दूसरा नंबर सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, फिर प्लस का सिंबल लगाएंगे, फिर तीसरे नंबर को सिलेक्ट करेंगे। प्लस का सिंबल लगाने के लिए आप शिफ्ट प्लस इक्वल टू के सिंबल को दबाएंगे तो आपका प्लस का सिंबल आ जाएगा। फिर हमने एंटर बटन को प्रेस किया तो इनका टोटल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये यहाँ पे टोटल करके इसको दिखा दिया। फिर से दूसरे नंबर को सिलेक्ट करें, दूसरे नंबर को टोटल करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू को सिंबल इंसर्ट करें, फिर जिस नंबर को आपको टोटल करना है उस नंबर को सिलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, फिर प्लस का सिंबल लगाएं। प्लस का सिंबल लगाने के बाद दूसरे नंबर को सिलेक्ट करें, जैसे कि हमने यहाँ पे 70 को सिलेक्ट किया, फिर से प्लस को सिंबल इंसर्ट करें, फिर तीसरे नंबर को सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे C3, D3, E3 ये नंबर है, ये सेल का नाम है, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है C3 60, D3 70, E3 59। फिर एंटर बटन दबा दें। एंटर बटन दबाते ही जो नंबर है उसका टोटल करके दिखा देगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब हमें बाकी नंबरों का टोटल निकालना है, तो उसके लिए सेल को सेलेक्ट कर लें और इसके ड्रॉप डाउन बटन यहाँ पे एक देख सकते हैं कि डॉट आया है, कर्सर को वहां पे रखें और नीचे ड्रैग कर दें। बाकी नंबरों का ये ऑटोमेटिक इनका टोटल करके दिखा देगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से आप टोटल करना सीख सकते हैं। आइए आप सब्ट्रैक्ट फॉर्मूला का उपयोग करना सीखें। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है घटाना। सामने दिए गए चित्र में आपको सब्ट्रैक्ट करने का तरीका बताया गया है। आइए अब वीडियो की मदद से सब्ट्रैक्ट करना सीखें। अब हमें सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा करना है, उसके लिए इस वाले कॉलम को सबसे पहले सिलेक्ट करें जहाँ पे सब्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, उसके नीचे हमने क्लिक किया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पे क्लिक किया। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, अपने कीबोर्ड में इक्वल टू का सिंबल को ढूंढें। हमने यहाँ पे इक्वल टू सिंबल को प्रेस किया, इक्वल टू का सिंबल आते ही जिस नंबर को आपको माइनस करना है, घटाना है, उस नंबर को आप सिलेक्ट कर लें। हमने यहाँ पे 57 नंबर को सिलेक्ट किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इक्वल टू के बाद C2 लिखा हुआ है। उसके बाद कीबोर्ड की मदद से आपको माइनस का सिंबल ढूंढना है। हमने यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाया, फिर इसको किससे माइनस करना है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। हमने 52 जो E2 है उसको सिलेक्ट किया और उसके बाद एंटर बटन दबा दिया। एंटर बटन दबाने के बाद उसको माइनस करके यहाँ पे जो इसका आंसर है वो आ गया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर से इक्वल टू को प्रेस करें, इंसर्ट करें सिंबल को, जिस नंबर से आपको माइनस करना है उस नंबर को आप सिलेक्ट कर लें, जैसे कि हमने यहाँ पे 60 को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C3 लिखा हुआ गया, C3 उस सेल का नाम है। फिर हमने कीबोर्ड की मदद से माइनस का सिंबल हमने ढूंढा और उसको इंसर्ट किया, जिससे माइनस करना है उस सेल को हमने सेलेक्ट कर लिया। हमने यहाँ पे 59 को सिलेक्ट कर लिया।
59 को सिलेक्ट करने के बाद एंटर बटन प्रेस किया, एंटर बटन दबाने के बाद उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आप बाकी सभी का आंसर इसी प्रकार से लाना चाहते हैं तो उसको पहले सेलेक्ट करें और उसकी जो डॉट बना हुआ है वहां पे पॉइंटर रख के नीचे की साइड ड्रैग कर दें, उन सब का ऑटोमेटिक आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप सब्ट्रैक्ट करना सीख सकते हैं। जैसे तो जैसे हम सेल पे क्लिक करें तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, आप एड्रेस बार में देख सकते हैं, इक्वल टू C4 - C E4। इसी प्रकार से हर एक सेल के अंदर फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, फॉर्मूला लगा हुआ है। अब आप मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुना करना। आइए अब वीडियो की मदद से गुना करना सीखें। अब हमें मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। उसके लिए आप मल्टीप्लाई वाले सेल पे क्लिक करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। क्लिक करने के बाद इक्वल टू का सिंबल को इंसर्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इक्वल टू सिंबल को इंसर्ट करने के बाद जिस नंबर से को हमें मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले हम उस नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हमने यहाँ पे 57 को सिलेक्ट किया। उसके बाद अपने कीबोर्ड में से ये प्रोडक्ट का निशान, जो मल्टीप्लाई का निशान है, शिफ्ट प्लस 8 बटन को प्रेस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं जो ऊपर स्टार्क सिंबल आया है, इसके लिए आप शिफ्ट प्लस 8 बटन को दबाएंगे, फिर दूसरे नंबर को सिलेक्ट करें, फिर से शिफ्ट प्लस 8 को दबाएं, ये सिंबल आ जाएगा, फिर से तीसरे नंबर को सिलेक्ट करें। हम इन तीनों को सिलेक्ट करना है, इसीलिए हमने दो बार सिंबल यहाँ का यूज किया, फिर एंटर बटन दबा दें। इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से अगले सेल में फिर से इस फॉर्मूला का उपयोग करें। सबसे पहले इक्वल टू के बाद जिस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को सिलेक्ट करें, फिर ये स्टार वाले सिंबल को इंसर्ट करें, उसके लिए आप शिफ्ट प्लस 8 बटन को दबाएं, फिर दूसरे नंबर को सिलेक्ट करें, इसी प्रकार से फिर वो सिंबल को इंसर्ट करें और फिर तीसरे नंबर को सिलेक्ट करें, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, फिर एंटर बटन को दबा दें, जो आंसर है वो उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। आप बाकी सभी का मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जिस पे आपने मल्टीप्लाई किया है उसको एक बार सिलेक्ट करें, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट बना हुआ है, पॉइंटर को हमने वहां पे रखा और लेफ्ट बटन दबा के उसे नीचे की साइड ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद जो बाकी का आंसर है उनको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से आप मल्टीप्लाई करना सीख सकते हैं। आज की क्लास का आखिरी फॉर्मूला डिवीजन का है। डिवीजन का मतलब होता है भाग देना। आइए अब वीडियो की मदद से डिवीजन करना सीखें। अब हम डिवीजन करना सीखेंगे। डिवीजन को भी हम सिंबल के द्वारा ही करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू को इंसर्ट करें, कीबोर्ड में से इक्वल टू बटन को एक बार दबाएं, वो सिंबल आ जाएगा। जिस नंबर को आप भाग देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें, जैसे हमने यहाँ पे 176 को सिलेक्ट किया। अब इस नंबर को जिस संख्या से या जिस नंबर से भाग देना है उसके लिए सबसे पहले आपको ये वाला सिंबल, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, इस सिंबल को इंसर्ट करें। उसके बाद हमने यहाँ पे ऑब्लिक सिंबल को इंसर्ट किया, उसके बाद जिस नंबर से भाग देना है उस सिंबल को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है हमने यहाँ पे 64 को सिलेक्ट किया, उसके बाद एंटर बटन को दबा दिया। जैसे हमने एंटर बटन दबाया यहाँ पे उसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से फिर से इक्वल टू को इंसर्ट करें,
नंबर को सेलेक्ट करें जिस नंबर को आप भाग देना चाहते हैं, उस नंबर को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, फिर इस सिंबल को हमने इंसर्ट किया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। जिस नंबर से आपको भाग देना है उस नंबर को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ पे 180 से हमें डिवाइड करना है तो 180 को हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और फिर एंटर बटन को दबा दिया, जो उसका आंसर है उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अगर आप बाकी आंसर लाना चाहते हैं इसको आप सेलेक्ट करें, जो इसकी डॉट बटन है यहाँ पे जो उसके साइड में डॉट है वहाँ पे कर्सर को रखें और नीचे की साइड ड्रैग कर दें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है, बाकी सभी का आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप सिंबल के द्वारा ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन करना सीख सकते हैं। आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं कि फॉर्मूला का उपयोग कैसे करते हैं। फॉर्मूला के माध्यम से आप कुछ दिए गए फॉर्मूला के, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डेटा है, हमने यहाँ पे एक डेटा को टाइप किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेम, रोल नंबर, सब्जेक्ट्स हैं कुछ मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, एड, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, पहले एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सम, प्रोडक्ट और क्वांटिटेंट। अब हम इनको फॉर्मूला के माध्यम से इनका हम उपयोग करना सीखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो पॉइंटर है, जो कर्सर अभी सम के नीचे है, सेलेक्ट हुआ है जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं जो रो टू है, रो टू में ए यहाँ पे 127, 57 अलग अलग प्रकार के यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। आप इसे अगर टोटल करना चाहते हैं, इसके लिए सबसे पहले जिसे आप टोटल करना चाहते हैं वहां पे इक्वल टू का सिंबल लाएंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अपने कीबोर्ड की मदद से इक्वल टू सिंबल को ढूंढना है। इक्वल टू सिंबल को ढूंढने के बाद उसको एक बार प्रेस कर दें तो शीट पे इक्वल टू लिखा हुआ आ जाएगा, क्योंकि हम सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, हमें टोटल करना है, इसीलिए सबसे पहले हमने इक्वल टू फिर उसके बाद एस यू एम सम टाइप किया। उसके बाद कोई भी आप फॉर्मूला लगाते हैं तो फॉर्मूला आपको ब्रैकेट के अंदर लगाना होता है। उसके बाद हमने ब्रैकेट को स्टार्ट किया। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के लिए आप शिफ्ट 9 बटन को प्रेस कर सकते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अभी हमें जिस नंबर को प्लस करना है, इनका हमें टोटल करना है, उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। जैसे हमने इक्वल टू सम लगाया तो ब्रैकेट के अंदर ऑप्शन आ रहा है, नंबर 1 सेमी कॉलम, नंबर 2 सेमी कॉलम, इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ रहा है। तो हमने सबसे पहले जो हमारा सेल C2 है उसको सेलेक्ट किया, उसके बाद हम कीबोर्ड की मदद से सेमी कॉलम सिंबल को ढूंढेंगे जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सेमी कॉलम सिंबल को ढूंढने के बाद फिर उसके बाद सेकेंड नंबर, जो सेकेंड डिजिट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर से सेमी कॉलन लगाएंगे। सेमी कॉलन लगाने के बाद जिस नंबर को हमें टोटल करना है, जैसे हमने हिंदी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं E2 लिखा हुआ आ गया। ये E2 यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे C2, D2, E2 लिखा हुआ आ रहा है, ये सेल का नाम है। जिस जिस सेल को हमने सेलेक्ट किया था वो सेल यहाँ पे आ गया। फिर ब्रैकेट को क्लोज कर दें। क्लोज करने के लिए शिफ्ट 0 का उपयोग करें, शिफ्ट को एक साथ शिफ्ट को दबा करके फिर 0 को प्रेस कर दें, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद एंटर बटन को प्रेस कर दें। जैसे ही आप एंटर बटन को दबाएंगे तो इन तीनों को नंबरों को टोटल करके यहाँ पे दिखाई देगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने इन तीनों नंबर का टोटल किया, यहाँ पे उसका आंसर आ गया 176 जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमें फिर से टोटल करना है। अब हमें जो थर्ड रो है, हमें उसके अंदर जो डेटा दिया हुआ है उसका टोटल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाएं अपने कीबोर्ड में ढूंढ के, उसके बाद इक्वल टू का सिंबल लगाने के बाद आप सभी को सम टाइप करना है।
SUM sum, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सम टाइप करने के बाद आपको ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। जैसे कि आप जानते हैं ब्रैकेट स्टार्ट करने के लिए शिफ्ट 9 बटन का उपयोग करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ पे एरो की मदद से एक सेल से दूसरे सेल को मूव कर रहे हैं। अब हमें तीनों नंबर को सेलेक्ट करना है, तो इसके लिए आप सभी शिफ्ट बटन को दबा के एरो की मदद से जिस नंबर को आपको सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे देख सकते हैं 60, 70 और 59, इन तीनों नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट और एरो की मदद से। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे C3 से लेके E3 तक सेलेक्ट हो गया। आपको यहाँ पे वीडियो में भी दिखाया जा रहा होगा ब्रैकेट के अंदर C3 E3 लिखा हुआ है, मतलब हमने जो हमारी जो कॉलम है C3 से लेके E3 तक हमने सेलेक्ट किया है, वो तीनों नंबर यहाँ पे सिलेक्ट हो गए। सिलेक्ट होने के बाद एंटर बटन को क्लिक कर दें। जैसे एंटर बटन पे आप क्लिक करेंगे जो इसका टोटल है वो टोटल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसी प्रकार से आप अगले रो में जितनी भी डेटा है उनको प्लस कर सकते हैं। प्लस करने के लिए आप ये फॉर्मूला अपनाएंगे, सबसे पहले इक्वल टू, फिर उसके बाद सम लिखेंगे। सम लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। जिस नंबर को आपको टोटल करना है उस नंबर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया गया है, हमने माउस या टचपैड की मदद से हमने तीन नंबर को सेलेक्ट कर लिया 64, 72, 67, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हमने एक बार एंटर बटन को प्रेस किया, जो इसका टोटल आंसर है उन तीनों नंबर का टोटल करके यहाँ पे इसको दिखा दिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने तीन नंबर को टोटल किया। आप चाहते हैं कि अब बाकी के जो डेटा है उसका टोटल ऑटोमेटिक हो जाए, इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप उस सेल पे आप क्लिक करेंगे। सेल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक कलर का हल्का सा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा प्लस का, आपको अपने कर्सर को वहां पे रखना है। उस पे लेफ्ट बटन को दबा के नीचे के साइड डाउन में आप ड्रैग करेंगे। जैसे आप नीचे ड्रैग करेंगे तो बाकी जो नंबर्स है उसका ऑटोमेटिक टोटल करके यहाँ पे दिखा देगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। हमने यहाँ पे सम का फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, हमने सिर्फ उसको ड्रैग किया और उसका टोटल करके दिखा दिया। अब आप वीडियो में देख सकते हैं जहां पे ऐड लिखा हुआ है, ऐड लिखे हुए कॉलम के अंदर हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, इनका हम टोटल निकालेंगे। सबसे पहले हमने इक्वल टू लगाया, फिर जाके हमने सम को टाइप किया, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं SUM सम टाइप किया, ब्रैकेट को स्टार्ट किया। जिस नंबर को हमें टोटल करना है उस नंबर को हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने यहाँ पे नंबर को सेलेक्ट किया और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद एंटर बटन को प्रेस किया, तो जिसका टोटल है टोटल करके नीचे यहाँ पे दिखा दिया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अब हम प्रोडक्ट करना यानी कि गुणा करना सीखेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट वाले सेल पे हमने क्लिक किया, वहां पे हमें गुणा करना है, तो इसके लिए फॉर्मूला, मल्टीप्लाई करने का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट। सबसे पहले हमने इक्वल टू, उसके बाद प्रोडक्ट को टाइप करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद जिस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उस नंबर को आप सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। अभी हमने यहाँ पे एक नंबर को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर नंबर 1 सेमी कॉलन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमने एक नंबर को सिलेक्ट करने के बाद आपको सेमी कॉलन का सिंबल लगाना है। अगर आप सेमी कॉलन का सिंबल नहीं लगाएंगे तो यहाँ एरर शो करेगा, उसको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाएगा। इसलिए हमने एक नंबर को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहले हमने सेमी कॉलन को लगाया, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है।
फिर हमने दूसरे नंबर को सेलेक्ट किया और उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। उसके बाद एंटर बटन पर क्लिक कर दें। जैसे एंटर बटन को क्लिक करेंगे, एक बार एंटर बटन को दबाएंगे, एंटर बटन को दबाने के बाद जो उसका टोटल है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखा देगा। दूसरे सेल में जो बाकी के नंबर है उसको मल्टीप्लाई करके दिखाएं। उसके लिए सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाएं, फिर जो फॉर्मूला नेम है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को टाइप करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। उसके बाद जिस नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है ब्रैकेट को स्टार्ट करें, उस नंबर को सिलेक्ट कर लें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। सिलेक्ट करने के बाद सेमी कॉलन को ऑप्शन लगाएं, सेमी कॉलन को लगाने के बाद फिर दूसरे नंबर को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद एंटर बटन दबा दें। जो आपका डेटा है उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे दिखा देगा। फिर से अगले रो में, फिर से अगले सेल में दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई करके दिखाएं। इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाएं, उसके बाद प्रोडक्ट को टाइप करें, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, जिस नंबर को आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं उस नंबर को पहले सेलेक्ट कर लें। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं हमें एक साथ तीन नंबर को मल्टीप्लाई करना है, तो हमने टच पैड या माउस की मदद से हमने उस तीन नंबर को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को हमने क्लोज किया। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद एंटर बटन दबा दिया तो उस तीनों नंबर का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके दिखा दिया जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। अगर हमें बाकी के ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करना है तो आप उसे ड्रैग करके नीचे ड्रैग करेंगे, उसका आंसर ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। हमने सेल को पहले सेलेक्ट किया और उसके साइड में देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का डॉट बना हुआ है। हमने अपने कर्सर को वहां पर रखेंगे, जैसे ही वहां पर रखेंगे और एडिट एरो आ जाएगा और इसको फिर नीचे की साइड ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद जो बाकी के जो सेल हैं वो ऑटोमेटिक फॉर्मूला के माध्यम से उसको मल्टीप्लाई करके दिखा देगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। अब हम डिवीजन करना सीखेंगे। डिवीजन का फॉर्मूला होता है क्वांटिटेंट। इसके लिए सबसे पहले इक्वल टू को टाइप करें, क्योंकि किसी भी फॉर्मूला को लगाने से पहले हमें इक्वल टू का सिंबल लगाना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले इक्वल टू फिर क्वांटिटेंट को हमने टाइप किया, क्यू यू ओ टी आई ई एन टी क्वांटिटेंट। उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करें जैसे कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। जिस नंबर से आप भाग देना चाहते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वांटिटेंट हमने टाइप किया, उसके बाद हमने ब्रैकेट लगाया तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, आपको किस नंबर से किसको भाग देना है पहले उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। आप जैसे कि वीडियो में दिखाया जा रहा है हमने एक नंबर को सेलेक्ट किया। सेमी कॉलन सिंबल को लगाना जरूरी है, इसीलिए अपने कीबोर्ड में सेमी कॉलन सिंबल को ढूंढें, फिर जिस नंबर से आपको भाग देना है उस नंबर को सेलेक्ट कर लें। हमने 55 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एंटर बटन को एक बार दबा दें तो ये यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से अगले सेल को सेलेक्ट करें, फिर से यहाँ पे क्वांटिटेंट फॉर्मूला को लगाएं, सबसे पहले इक्वल टू फिर क्वांटिटेंट टाइप करें। ब्रैकेट को स्टार्ट करें, ब्रैकेट को स्टार्ट करने के बाद नंबर को सेलेक्ट कर लें जिसे आप भाग देना चाहते हैं, फिर बीच में सेमी कॉलन लगाएं, सेमी कॉलन के बाद उस नंबर को सेलेक्ट करें जिसे आप उस संख्या को भाग देना चाहते हैं। हमने यहाँ पे 60 को सिलेक्ट किया, फिर जाके ब्रैकेट को क्लोज कर दें। जैसे ही ब्रैकेट को क्लोज करेंगे उसके बाद एंटर बटन को दबा दें, जो इसका आंसर है वो यहाँ पे आ जाएगा जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। फिर से आप अगले सेल को भाग देना चाहते हैं, अगर आप बाकी के आंसर लाना चाहते हैं जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, अब यहाँ पे नीचे और भी डेटा है, अगर आप उसके नीचे ऑटोमेटिक बाकी सारे आंसर लाना चाहते हैं उसके लिए सबसे पहले सेल को सेलेक्ट करें जैसे कि वीडियो में दिखाया गया है।
सेल को सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं इसके राइट साइड में एक डॉट बना हुआ आता है। अपने कर्सर को वहां पर लेके जाएं जब तक कि फोर एडिट एरो बना हुआ ना आ जाए और नीचे की साइड ड्रैग कर दें, वो ऑटोमेटिक बाकी नंबर को भाग करके उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। इस प्रकार से आप फॉर्मूला की मदद से मल्टीप्लाई, डिवीजन, सम करना सीख सकते हैं और भाग करना भी सीख सकते हैं। अब आप सभी अपने फाइल को पीडीएफ में बनाकर दिखाएं, क्योंकि पीडीएफ में किसी फाइल को कैसे बनाते हैं यह आप राइटर और इम्प्रेस में सीख चुके हैं। अब आप अपनी फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करें। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अब आप सभी अपने फाइल को सेव करके क्लोज करें, फिर अपने कंप्यूटर को शट डाउन करें। आज की क्लास में आपने अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट और फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में सीखा, और उसके बाद आपने डिलीट कंटेंट्स, डिलीट सेल, सीट और कुछ फॉर्मूले के बारे में भी सीखा, जैसे कि सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीजन।